और जल्दी जल्दी हम जहाँ पहुँचे हैं इस समय जो है धोरी, जहाँ पर इस समय जिमनी इलेक्शन चल रहे हैं। जिमनी का मतलब होता है कि बीच में कोई रिजाइन कर दे या बंदा चला जाए, जो एमपी होता है तो उसकी जगह इलेक्शन होते हैं। तो जहाँ पर हम आए थे, जहाँ पर भगवंत मान जी जो हैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो दफ्तर था, जहीं से वो अपना कारवा लेकर काफिला लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते थे, लोगों को बताते थे कि मेरे को वोट दीजिए, मैं पंजाब के लिए बहुत कुछ करूँगा। और देखिए अब चुनाव है एमपी के, जहाँ पर तो हम जहाँ पर आए हैं सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, लोगों के विचार लेने के लिए, वो क्या कहते हैं, तो उनमें पंजाबी गल करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दे दो ताकि थोड़ा वो गल विखाने जो कोई होर नहीं विखाता। और देखिए जहाँ पर इस समय जे भगवंत मान जो इस समय सीएम है, उनका दफ्तर था, धूरी में इलेक्शन लड़े थे तो वो जीत के गए हैं जहाँ से। तो अब जहाँ पर एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि उनके रिजाइन के बाद ये सीट खाली हो गई थी एमपी की, तो यहाँ पर गुरमेल सिंह झाड़ू वाले जो हैं लोगों से इस समय हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि मेरे को इस समय आपकी ज़रूरत है, आप मेरे को जताएं, मुझे लोकसभा में भेजें। तो ये हमारे साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि क्या चल रहा है पंजाब में, अब कुछ बदलाव आया या नहीं आया। तो अब तुम सारे पंजाब लुधियाना कितों आए हैं, देख कंपेन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं अपनी पार्टी के लिए। की ना थोड़ा विजय सिंह जी, थोड़ा की ना जी, मेरा नाम गोविंद लोटर, थोड़ा की ना जी, सुखदेव सिंह, मेरा नाम विनोद भगत है जी। असं लुधियाना सेंटर तो आए हैं, जेडे साडे टीम के लीडर ने वो लेखराज जी अरोड़ा ने, जेडे कि वाइस प्रेजिडेंट ने ट्रेड विंग के, असी उन्होंने नाल अज तीसरा दिन है लगातार असी धूरी दे महल्लों के जिमें माधोपुरी है, भगत सिंह नगर है, इन्हां दे गलियां गलियां च लोगों के कोल गए हैं। उन्होंने कोल लोगों अगर रिक्वेस्ट की है जिदा भगत सरदार मान साहब नूं वोट पाईए, उदा तुसीं सरदार गुरमेल सिंह जी वोट पाओ, तां कि पंजाब की आवाज़ जिहड़ी है सेंटर तक पहुँचे। वो इस करके लोगों ने बहुत ही लाइक किया, उन्होंने लोगों ने कहा कि असी पानी झाड़ू ने, असी पहले ही धार रखिया कि असी झाड़ू नूं ही वोट पानी है। जिदा असी लुधियाने इत्थे चल के आए हाँ, असी दिलों जान नाल असी मेहनत कर रहे हैं। साड़ी जिहड़ी अगवाई दे रिंग लीडर ने वो लेखराज जी अरोड़ा ने, ते उन्हां दी अगवाई च असी डोर टू डोर जा रहे हैं। साडी पार्टी ने असी पहला भी पार्टी लई पंजाब दे वख वख हिस्से जाके प्रचार करदे सी, असी दिल्ली भी गए प्रचार करने लई, जिथे साडी पार्टी साडी ड्यूटी लांदी असी उत्थे पहुँचदे हाँ। हुण साडी पार्टी ने साडी ड्यूटी लाई धूरी, असी धूरी दे विच 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर ये वार्डा च असी लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं। हुण साडी टीम अज फिर तैयार है, हुण भी पार्टी सानू अंदरों जिथे भी ड्यूटी लाएगी असी उत्थे पहुँचांगे। बिल्कुल गल से जिथे ते जाणगे लेखराज दे नाल जाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हां दे नाल है लेखराज, साडे ब्लॉक प्रधान ने, 7 वार्ड संभाल रहे ने ये, और असी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 3-4 दिन हो गए सानू रेगुलर असी लुधियाने तो आ रहे हैं और जाके लोगों को समझा रहे हैं। लोग काफ़ी समझदार ने, लोगों का उत्साह देख के सानू पूरा यकीन है इस टाइम कि साडा कैंडीडेट जिहड़ा हैगा एक जित हासिल करके मान साहब का इज्जत मान बढ़ाऊगा। देखिए इन्होंने दस्सिया कि असी इत्थे इस समय आए हैगे आ कंपेन करन लई आम आदमी पार्टी दी, जिहड़ी इस समय लोक सीट जिहड़ी सी खाली होई है, ते की हाल है तेरा? ठीक है जी। आ डंडा चक्का की गल है? साडा जा रहा ही मैं हैं, चला गया हूँ, चला गया आहो, रिक्शा वाला कोई देखते हैं कि कोई हाँ। देखे जहाँ पर हर जगह हम देखते हैं जो रिक्शा पर लगा रखे हैं इस समय बैनर वगैरह, जो असलियत होगी हम वही दिखाएंगे आपको जो भी कुछ है। तो देखिए ये इस समय हम जहाँ पर आए हैं, जहाँ पर जो धूरी है, मलेरकोटला है, संगरूर है, और जितने भी लोग हैं जहाँ पर इस समय कंपेनिंग के लिए आए हुए हैं। हाँ देखिए जी, और देख कंपेन करने के लिए ये डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हमें वोट दो। अब देखते हैं कि ये लोकसभा सीट जो पहले आम आदमी पार्टी के पास थी, अब गुरमेल जी यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। कोई महसूस नहीं करते कि असी कौन है, असी एक आम वर्कर हाँ जेडे कि पार्टी दे साडी ड्यूटी लाती है, असी रक्षा मिल गया रक्षे ते तुर पैना, साइकिल मिल गई साइकिल ते तुर पैना, सानू स्कूटर मिल गया स्कूटर तुर पैना, असी लोगों के घर जाना
ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹਮ ਆਗੇ ਬੜਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੀ ਜੇ ਫੋਟੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਮ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਆਪਕੋ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾਏਂਗੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏ। ਔਰ ਦੇਖੇ ਜੇ ਬਿਕਟੀ ਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਈ, ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅੱਜ MP ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪੈਰਾ, ਭਗਵੰਤਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪੈਰਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਬੋਲਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, UP 'ਚ ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ MP ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਓ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, UP ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕਲਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਂਗ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਹੋਲਡਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, BJP ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਰਪੱਟ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 10-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ 500-500 ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਏਗੀ, 101% ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? SC ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ
मैं बस यही कहना चाहना जी, जी संगरूर की सीट आ ये आम आदमी पार्टी पहला नालों भी वध वड्डे मार्जन के जितूगी। असी लगभग 5-6 दिन तो ग्राउंड के लेवल से काम कर रहे हैं तो लोगों के इन्ना उत्साह वा कि मान साहब जो है दो बार इतों एम पी रह चुके हैं तो हुण भी जो वोट जो गुरमेल सिंह नहीं भगवंत सिंह मान नूं पैणी आ ते मान साहब बहुत वड्डी लीड ना गुरमेल सिंह जी संगरूर तो बहुत वड्डी लीड दे नाल जितणगे। देखो इन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार है, पहले सरकार नहीं सी हुण आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले लोग सभा दे विच नहीं सरकार सी ते कहिंदे हुण उस तो ज़्यादा वोटां दे जितांगे, जितना भी ज़्यादा नाल चाहिए क्योंकि सरकार अपनी हैगी है, क्योंकि अगले जिहड़ी पिछले वोटां सीगियां उस तो ज़्यादा मार्जन नाल जितया जाऊगा। तो ही पता लगू लोगों के दिल के आम आदमी पार्टी यानी कि बास कर गई है, लोगों के दिलों में बैठ गई है, लोग चाहते कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी है पंजाब दे विच काम करे। चलो अगे वेखांगे जो जो जनू हालात मिलणगे। धन्यवाद। देखो असीं तां गल खत्म करती सी पर पंजाब दे एसी सैल दे जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट ने उन्हां तों गल किते बिना साडा भी काम अधूरा रहूगा। ये की कहना चाहते ने इन्हों तो असं पूछांगे, पहले ना दसो अपने दे बार दसो भी आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं जी पार्टी जिताने के बारे दसो थोड़ा जहाँ। मैं जसवीर सिंह जलालपुरी स्टेट वाइस प्रेजिडेंट एस सी विंग पंजाब, तो असी अज इतने संगरूर पहुँचे हाँ सरदार गुरमेल सिंह कराचो जी के हक में कंपेन कर रहे हैं। गुरमेल सिंह जी बहुत वधिया इंसान आ, ईमानदार आ, पार्टी ने एक आम घर के लड़के एक सरपंच एम पी की सीट दी आ, लगभग भी पूरा भी इस बार जित प्राप्त होगी। जो संगरूर की सीट आ एक आम आदमी पार्टी का गढ़ वा, इत्थे भगवंत मान का बहुत दबदबा रहा इस सीट पर, लोग बहुत प्यार करते आम आदमी पार्टी नू, ते इस बार भी सानू पूरी उम्मीद आ, जनता का पूरा विश्वास आ कि आम आदमी पार्टी नू जिताइए। जिमें कि आप देख रहे हैं जिन्ने भी वादे सरकार ने किए सके लोगों के हर एक मुद्दे पर खरा उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दूसरिया सरकार आदियां सगिया सुतिया रिंदियां सी 4.5 साल, तो जदों वोटा नेड़े आदियां सी तो उन्होंने दिनों के इन्हों की अख खोलती सी, उस टाइम तो यह काम करवाने लगते सके, तो पर सरकार ने आद्या ही जिन्ने भी इन दे काम सके वारी वारी सारे शुरू कर दिते आ। उम्मीद है कि जिन्ने भी वादे किए बहुत जल्दी निपर चढ़नगे। और देखिए कहते हैं जो वादे किए थे पूरे करने लिए हमने तो कम चालू करता है, बाकी सरकार 4 साल बाद कर दी सी चालू, कहते असी पहले यानी कि महीने तो ही जो सरकार ने सोच चक्की से कम चालू करते हैं, देखते हैं अगर की होंगे है वा। आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हूँ इस समय जेडे कि लोग सभा इलैक्शन हो रहे हैं वो की नतीजा आता है वह सारे पब्लिक के सामने आऊगा। धन्यवाद। जिहड़ियां पिछलियां 75 सालों तो सरकार जिहड़ा काम नहीं कर सकियां मान साहब ने साडे आने 3 महीनों के कर दते, जिहदे विच देखो जिहड़े 25,000 पोस्टां ने ये मेरे हिसाब नाल जिन्नियां सरकारां अज तक आईयां ने, हुण जिवें चन्नी ने झूठे वादे कीते भी 30,000 बच्चे पक्के करते कोई पक्का नहीं होया, 25,000 नौकरियों के विचों कम से कम 6-7,000 जिहड़ियां मेडिकल नाल रिलेटड पोस्टां सी वो तो फिल हो चुकी है, बाकी हो रही ने जिवें हुण नशा तस्कर सी आ साडे धालीवाल साहब मंत्री जी हो रहे ने 55,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है, लोगों नूं घर घर आटा दाल की स्कीम है, होर जिवें बिजली दीआं सहूलतां ने 1 जुलाई तो साडे बिजली दे जिहड़े बिल ने वो माफ हो जाने ने 300 यूनिट, होर आने वाला है तो जिवें कहते नहीं बच्चे की शुरुआत है, बच्चा हजे सॉरी जिहड़ा बच्चा पैदा होया जे बच्चा उन्हें जवान होना जब अपनी जवानी दे विच ऐन पूरे 5 साल साडी मान सरकार ने पूरे कर ले तो पंजाब दे विच किहा जिहा माहौल बन जू भी हरेक बंदा बाहर नूं जाण नालों उरे रहण नूं तरजीह देगा। देखिए लोग बच्चे जिहड़े कनेडा जाना छड्ड देणगे, कहिंदे असीं इदां दा पंजाब बना देंगे, हुण देखिए सोच है इहनां दी, बाकी काम बोलणगे इहनां दे दसणगे अजे तां 3-4 महीने होए ने,